हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और आज फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही हॉट टॉपिक है। वो टॉपिक इसलिए हॉट है कि जो मैं बात करने वाला हूँ, टैक्सेशन ऑन क्रिप्टो करेंसी, यानी कि जो वर्चुअल करेंसी है उस पर क्या टैक्सेशन होगा, कैसे होगा, आपको किस तरह से मिल सकता है, क्या क्या तरीके हैं, हम सब डिटेल बात करेंगे। साथ के साथ जो भी क्रिप्टो यूज़ कर रहा है और बेच रहा है उसे रिटर्न फाइल करना है। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन क्या है क्रिप्टो के साथ कि पहले क्रिप्टो करेंसी है क्या, पहले ये समझना हो। एक तरह का ये वर्चुअल करेंसी है जो कोई आज की डेट में ओन नहीं करता है, पीयर टू पीयर सिस्टम है और ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है जिसमें कोई कंट्रोलिंग सिस्टम अपने आप इनबिल्ट है और ये एक तरह से वर्चुअल दुनिया में चल रही है। एक अपने आप में एक बैंक है और अपना एक पैसा है जो मार्केट में फ्लो हो रहा है और उसके अपने पूरा टेक्नोलॉजी उसके पीछे उन्होंने बिल्ड कर रखी है, जिसके थ्रू ये पूरा एक बहुत ही सिक्योर मीडियम के थ्रू ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो ये क्लेम किया जाता है और कहा जाता है कि इसमें किसी भी तरह की एरर की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो क्रिप्टो की जो मामला है वो तो इंडिया में पिछले साल तक अगर हम बात करें मार्च 2020 के पहले तो इंडिया में इलीगल था, लेकिन मार्च 2020 में एक जजमेंट में जो कोर्ट है हमारे यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत क्लियर कर दिया कि ये इलीगल नहीं है। पहली चीज़ यानी कि उन्होंने अपने पूरे डिसीजन में आरबीआई को बहुत क्लियर, दो पार्टी थी, आरबीआई थी और एक क्रिप्टो जो भी एक्सचेंज है और क्रिप्टो के सपोर्ट करने वाले थे वो एक तरफ पार्टी थे। वहाँ पे आरबीआई ने बहुत क्लियर कहा और कहा कि पहली चीज़ कि ये इलीगल नहीं है, इस पर आप बैन नहीं लगा सकते। लेकिन बैन नहीं होने के बाद भी इतनी कन्फ्यूजन है क्योंकि इनकम टैक्स में कोई प्रोविजन नहीं है, कोई क्लियरिटी उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कहाँ टैक्स होगा, कैसे होगा, उसके बारे में अभी तक कहीं भी कुछ बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस नहीं दिया गया। इसमें अलग अलग अपने एजम्पशंस हैं, अपनी एक मैकेनिज्म जो टैक्स को समझते हैं वो अपने हिसाब से उसको डिफाइन कर रहे हैं। अब बात करते पहले कि आपको क्रिप्टो मिल कैसे सकता है, कहाँ कहाँ से आपको आएगा और उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे बनेगी। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक होता है इसमें माइनिंग, दूसरा हो सकता है कि आप जाके एक्सचेंज, जो भी क्रिप्टो एक्सचेंज है दुनिया में, वहां से आप जाके अपने पैसे देते हैं रियल मनी क्रेडिट कार्ड के थ्रू और बैंक एनईएफटी के थ्रू और वो खरीद लेते हैं। तीसरा, जैसे कि आप इंडिया में कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं या किसी तरह की शॉपिंग करते हैं, उसके बदले में आप बहुत तरह के वर्चुअल पेमेंट यूज़ करते हैं। होता वर्चुअल नहीं, आपका पेमेंट होता है बट वहाँ वर्चुअल कार्ड चलते हैं, जैसे पेटीएम हो गया, उसके अलावा गूगल पे हो गया और भी बहुत तरह के पेमेंट मैकेनिज़म हैं। यानी कि अगर आप किसी को सर्विस या गुड्स बेच रहे हैं और उसके बदले में कोई आपको क्रिप्टो दे दे, यानी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तीन तरह से आपको क्रिप्टो मिल सकता है। एक माइनिंग, माइनिंग क्या होता है, माइनिंग वो होता है कि क्रिप्टो में ये एक सिस्टम है कि आप अपने घर में सर्वर लगाएं, उसके जब वो माइनिंग होती है, जब आगे बढ़ता है तो आपको उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज मिलता है, उसमें कोई कॉस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, दैट्स कॉल्ड माइनिंग। दूसरा मैंने कहा कि आप गए और मार्केट में जैसे गोल्ड डायमंड प्लैटिनम या कोई और खरीदते हैं उसकी तरह से हो सकता है। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये आप किसी को कोई सर्विस दिया और उसके बदले के उसके एवज में उतनी वैल्यू का उसने क्रिप्टो करेंसी दे दिया। तीनों तीन सिनारियो हैं और तीनों में टैक्सेशन सिस्टम भी तीन है। मैंने इसीलिए कहा कि ये जो पूरा वीडियो है आपको इसलिए देखना जरूरी है कि पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कहाँ पे हैं, किस कैटेगरी में। तो हम पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं बाई माइनिंग। बाई माइनिंग में जो अगर आप माइनिंग करते हैं और वहाँ से आपको क्रिप्टो मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं ये बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि अगर माइनिंग विदाउट एनी कॉस्ट है और आपको जो क्रिप्टो मिल रहा है विदाउट एनी पेनी दिए हुए, वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, निल है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक केस डिसाइडेड है बीसी श्रीनिवासन सेट्टी का, उसमें कहा गया कि अगर किसी सामान की कॉस्ट आप एनालिसिस नहीं निकाल पा रहे हैं और उसको एक्विजिशन कॉस्ट नहीं निकाल पा रहे तो उस पर टैक्स नहीं लग सकता है, ये उस केस लॉ में बताया गया। तो माइनिंग में भी वही दिक्कत है, अब इसका कॉस्ट कैसे निकाला जाए, क्योंकि तो आपने एक सर्वर घर पे लगाया था, उस सर्वर के रखने के एवज में आपको छोटे छोटे पॉइंट में आपको एक क्रिप्टो दिया गया, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, उसकी वजह से निल होने के कारण माइनिंग के केस में कोई टैक्स नहीं लगेगा। बहुत क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। अब आ जाते हैं ट्रांसफ़र ऑफ मनी, मतलब कि आपने क्या किया कि जो आपके पेमेंट है आपने किसी
एजेंसी के थ्रू और अलग अलग एक्सचेंज है उसके थ्रू अगर आपने क्रिप्टो खरीदा, तब क्या होगा? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें दो डिबिट है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कैपिटल एसेट नहीं है, इसको आप अदर इनकम में लेकर चले जाइए और वहाँ पर दिखाइए। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं जी, ये सेक्शन 214 में जो इनकम टैक्स में प्रॉपर्टी की डिफिनीशन दी गई है उसमें प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया गया बहुत अच्छे से, तो जो डिफिनीशन है उसमें ये कवर हो जाता है। तो दो यहाँ पे अगेन कॉन्सेप्ट हो गया। एक है कुछ लोगों का मानना है कि ये कैपिटल एसेट नहीं है, अदर इनकम में जाएगा और वहाँ पे टैक्स हो जाएगा, वहाँ पे जो भी आपका टैक्स लैब होगा उसके अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है? तो वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं कि आपने परचेज जिसमें भी किया और जिस पे सेल किया, जो प्रॉफिट है आपका अदर इनकम में चला गया, आप उस पर टैक्स कर दें। लेकिन बहुतों का यह मानना है कि नहीं, ये कैपिटल एसेट है और इस पर कैपिटल जो गेन होगा उसके अकॉर्डिंगली जो टैक्स बनेगा फ्लैट 20% के रेट से जाएगा, यानी कि जो भी कैपिटल गेन रेट होगा आप पे वो अप्लीकेबल होगा। यानी कि यहाँ भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, दो सिनारियो हो गए अभी आपके ऊपर, लेकिन कैपिटल एसेट में आप रखते तो ज़्यादा टेक्निकली अगर देखा जाए तो ज़्यादा वाइबल है और ज़्यादा सही है। लेकिन अभी तक इसमें किसी भी तरह का कोई डिफिनीशन या किसी भी तरह का गवर्नमेंट ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये कैटेगरी कहाँ जाएगी। ये सब ऑन द बेसिस ऑफ आप कह सकते हैं एजम्पशन और जो टैक्स डिफाइन है, टैक्स लॉस डिफाइन है, उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है। अब तीसरा कंडीशन, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं US की कंपनी को कोई सर्विसेज दिया, उसने कहा सर आप मेरे से क्रिप्टो ले लो, मैंने 1 लाख रुपए की सर्विस दी और 1 लाख रुपए का मैंने क्रिप्टो ले लिया। यहाँ पे जो पहले केस था उसमें माइनिंग के केस में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो निल था, यहाँ पे अब निल नहीं है। मैंने 1 लाख रुपए के एवज में मुझे वो क्रिप्टो मिला, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे डिसाइड हो रहा है। और बिकॉज कि ये एक तरह का कैपिटल गेन नहीं है, ये एक तरह का ट्रेडिंग हुआ और आपके पास ये जो अमाउंट आ रहा है ये आपके बिजनेस में ऐड हो जाएगा और जो भी आपका नॉर्मल टैक्स सिस्टम स्लैब सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंगली टैक्स दिया होगा। यहाँ पे ये नहीं है कि कोई आपको एक्स्ट्रा स्लैब मिलेगा और जैसे अदर इनकम में आप लेके गए तो वहाँ पे भी वही होगा, जो स्लैब सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंगली टैक्सबिलिटी होगी। अगर आप कंपनी है, इंडिविजुअल है, तो अलग अलग टैक्स सिस्टम है। यानी कि मैं अगेन इसको समराइज करने की अगर कोशिश करूँ तो जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, अभी के डेट में इलीगल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, मार्च 2020 के बाद, ये इंडिया में लीगल है, बहुत क्लियर शब्दों में लीगल है, डिफिनीशन के हिसाब से कहीं इलीगल नहीं। अगर आप ट्रेड करते हैं या आपके पास है, तीन ऑप्शन है वो जो मैंने तीनों डिस्कस किया, वो अलग अलग टैक्स सिस्टम के हिसाब से आप पे टैक्स, आपका जो टैक्स है वो टैक्स लगेगा और उसी के अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना होगा। तो आज के लिए इतना ही और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ के साथ अगर आपके घर में OTT का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फायर TV हो, एप्पल TV हो, अभी तो जियो बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है तो हम जियो TV पे भी हैं, आप हमारे सारे वीडियोस वहाँ भी देख सकते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें हमारे सोशल मीडिया चैनल को, वहाँ पर आए और कॉमेंट भी करें और लोगों को भी बताएं। आज के लिए इतना ही, अगर आपकी कोई क्वेरी है बिटकॉइन पे आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने ट्रेड भी किया है और आपने कुछ किया है वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसके बारे में जो टैक्स हो सकता है वो बताने की कोशिश करेंगे कि इस पर टैक्स क्या लगेगा और कैसे लगेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट।